नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। आइए जानते हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। 2015 में सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से व्यासदेव प्रसाद विधायक चुने गए थे। व्यासदेव प्रसाद की बात करें तो वे भाजपा के उम्मीदवार थे और उन्हें 55,156 वोट प्राप्त हुआ था। इस सीट पर जदयू ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। जदयू से बबलू प्रसाद अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उन्होंने 51,622 वोट प्राप्त किया था और 3,534 वोट से पीछे रह गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 की बात करें तो सिवान विधानसभा सीट से वर्ष 2010 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में भाजपा से व्यासदेव प्रसाद का ही कब्जा रहा था। इस सीट पर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को शिकस्त दी थी। अवध बिहारी चौधरी राजद के सदस्य होते हुए इस चुनाव में उतरे थे। वर्ष 2005 के चुनाव परिणाम की बात करें तो इस सीट पर अवध बिहारी चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भाजपा से व्यासदेव प्रसाद को हराया था और वर्ष 2000 में उन्होंने वासी अहमद को हराया था। वासी अहमद भाजपा के टिकट से थे। वर्ष 1995 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस वर्ष अवध बिहारी चौधरी का वर्चस्व रहा। वे जेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और अवध बिहारी चौधरी को भाजपा के व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा कड़ी टक्कर दिए थे। अब सिवान विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य की बात करते हैं। सिवान विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। स्कूलों में प्रोत्साहन दिए जाने से स्कूल आने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने की कोशिश की गई है। बिजली और पेयजल की आपूर्ति किया गया है। सड़कों के तरफ भी ध्यान दिया गया है। अब हम क्षेत्र के चुनावी मुद्दों की बात करते हैं। क्षेत्र के समस्याओं की बात करें तो सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठाए जाते हैं। यहाँ पर दो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, जो एक अहम मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार महागठबंधन के तरफ से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि लालू यादव की सरकार में अवध बिहारी चौधरी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा ने सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर टक्कर इन्हीं दो नेताओं के बीच है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन बाजी मारने में सफल हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।